नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जुलाई के महीने में दो नई वैकेंसियाँ कौन सी आएंगी, वीडियो रिजल्ट का अपडेट क्या है और लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो उससे पहले जो लोग चैनल सब्सक्राइब न कर लें चाहें तो कर सकते हैं, कर लें। तो आपको बता दें कि जुलाई के महीने में आपकी दो वैकेंसियाँ आएंगी, एक तो राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल। इनकी नंबर ऑफ सीट्स भी हम लोग बात कर लेंगे जो अभी सुनाई दे रहा है, जानकारी में आई है। और दूसरी वैकेंसी है ट्यूबवेल टेक्नीशियन की, तो लेखपाल की वैकेंसी अलग आएगी, ट्यूबवेल टेक्नीशियन की अलग आएगी। तो चकबंदी लेखपाल की लगभग 1600 पोस्टें, तो 300 सीटें बढ़ जाएंगी, 1600 सीटें आएंगी। पिछली बार आया था, कैंसिल हो गया था, लेकिन इस बार पक्का है, आना ही आना है, तो निराश ना हो, इसमें ट्रिपल सी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राजस्व लेखपाल की 3300 सीटें आएंगी लगभग, लोग 400 भी बोल रहे हैं, लेकिन जो हमने पता किया है 3300 के आसपास सीट आएंगी। अब देखना है कितनी सीट्स होंगी, लेकिन 3300 की अनुमान है, इतनी आनी चाहिए। ट्यूबवेल टेक्नीशियन की लगभग 400 पदों की वैकेंसी अलग होगी, ITI मांगा जाएगा और ये वैकेंसी भी जुलाई के महीने में आएगी। अब हम लोग बात करते हैं वीडियो की। तो जैसा आपको मालूम है, वीडियो के धरने में मैं खुद गया था, वीडियो वहाँ से लाइव किया था और मेरे सामने सचिव की जो बात हुई छात्रों से, वो मैंने शेयर किया था कि सचिव ने 3 हफ्ते का टाइम मांगा है, तो 17 से 3 लगभग 21 दिन, तो 8-9 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा, मैक्सिमम 10 तक, तो इतने तारीख तक आ जाना चाहिए रिजल्ट, और आएगा 8 जुलाई को। लोअर PCS का सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में एग्ज़ाम हो सकता है, लोग तैयार रहें, तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। Thank you to watch my